शीतलहर के साथ कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य आए हुए हैं। बीते दिन की शुरुआत भी कोहरे से हुई, जिससे लोगों की कपकपी छूटने लगी। मौसम विभाग की माने तो मौसम का हाल अभी फिलहाल यही बना रहेगा। अभी कुछ दिन तक सर्दी यूं ही लोगों को सताती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में और घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि बाकी राज्यों का हाल कैसा रहने वाला है। पहले आपको बता दें कि देश भर में मौसम का डबल अटैक फिलहाल जारी रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त कोहरे के साथ साथ कड़ाके की सर्दी झेलने को मजबूर है। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 31 जनवरी तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं। इन दिनों कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बात करें बाकी राज्यों की तो यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान घने से बहुत घना कोहरा छाया रहने वाला है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो घने से बहुत घना कोहरा रहेगा। कोल्ड डे की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे के हालात नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो आज यानी 27 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। आज दिल्ली में मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान में मामूली बढ़त देखी जा सकती है। इसके अलावा बाकी राज्यों का हाल बताएं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने वाला है। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। स्काईमेट के मुताबिक 27 जनवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय की तरफ बढ़ेगा। इस वजह से फरवरी के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर मध्यम बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इस वजह से दिल्ली में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।